हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का 3, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो दो वुमेन और 5 महिला जो दोनों मिलकर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है वो 4 डेज में कम्प्लीट करते हैं, एंड वहीं पर 3 महिला एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, वो 3 दिन में इसको फिनिश कर देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई अ वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। मीन्स हम लोग को फाइंड क्या करना है कि टाइम टेकन बाई वन वुमेन, एक वुमेन काम को अकेले कितने दिनों में फिनिश करेगी और एक मैन और उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे लेट। लेट हम लोग क्या करेंगे, वन वुमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन एक्स डेज। मीन्स वो महिला वो पूरे काम को अकेली महिला एक्स डेज में कंप्लीट करती है, और वैसे ही क्या हो जाएगा, वन मैन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन वाई डेज। तो जब वो अकेले काम करेगी एक महिला तो एक्स डेज में कंप्लीट कर लेगी उस पूरे काम को, और एक मैन जब उस काम को करेगा तो वाई डेज में फिनिश कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि वन डे का निकाल लेंगे, वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन। तो एक दिन में वो एक वुमेन कितना काम करेगी, तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स क्यों होगा, जैसे कि आप लोग को कोई दे दिया कि एक बुक आपको कोई दे दिया और बोला कि आप उसको 2 डेज में पूरा उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको पूछेगा कि क्या कि आप एक दिन में उसका कितना पढ़िएगा, कितना पार्ट। तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 कैसे हो गया, एक दिन में उसका आधा ही ना पढ़िएगा तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, और जो टोटल नंबर ऑफ डेज था वो नीचे आ गया फ्रैक्शन में। तो वैसे ही क्या हो गया कि वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन, तो वन और टोटल डेज कितना है, एक्स, तो 1/x हो गया। वैसे ही क्या हो गया कि वन डे वर्क ऑफ वन मैन, तो मैन का वर्क क्या हो जाएगा, 1/y। एक दिन में क्या करेगा, वन, और टोटल नंबर ऑफ डेज वाई, तो वाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो क्या बोल रहा है कि टू वुमेन, तो टू वुमेन क्या हो जाएगा, तो टू वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 2/x प्लस, और क्या बोला है कि फाइव मैन, तो फाइव मैन के लिए क्या हो जाएगा, एक एक दिन में कितना काम करें, 1/5, तो 5 डेज में कितना करेंगे मैन लोग काम, 5 × 1/x, तो क्या हो जाएगा, 5/x। और क्या बोल रहा है कि फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/4 डेज। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दिया हुआ है एक और हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 3 महिला है और 6 मैन है उस काम को कितना डेज में करते हैं, 3 डेज में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 डेज के लिए क्या हो जाएगा, 3 वुमेन बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 3/x प्लस मैन कितना बोल रहा है, 6, तो 6 × 1/y क्या हो जाएगा, 6y, और कितने दिनों के लिए बोल रहा है, 3 डेज, तो कितना हो जाएगा, एक दिन के लिए 1/3 डेज हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 5, सॉरी इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। तो क्या हम करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो हमने xy 1/x m और 1/y पहले भी हमने कर लिया है, तो आप लोग नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, क्या है 2 × 2/x है, तो क्या है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 है
बाहर, तो टू हम लोग पहले लिख दें, और 1/x को क्या माना हमने, m, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/y, तो 5 बाहर है तो 5 बाहर लिख दें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5/y हो जाएगा, तो क्या हम लिख दिया 5, और 1/y के लिए क्या लिया n, तो क्या हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 1/4, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो कितना इसमें मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8m प्लस 20n, 5 में 4 से करेंगे तो 20n हो जाएगा इज इक्वल टू 1 में 1 से करेंगे तो 1, ये इक्वेशन हमारा आ गया 5। अब इसमें भी क्या करेंगे कि 1/ हमने लिया है क्या, इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/x, क्या हो जाएगा 3, और 1/x के लिए क्या है m, तो हो जाएगा 3m प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 1/y, 6 में 1 से करेंगे तो 6/y हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 6, और 1/y के लिए क्या लिया हमने n, तो 6n हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 1/3, 1/3 हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 18n, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम लोग 6। अब हम लोग 5th और 6th इक्वेशन से क्या करेंगे कि m का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, m के वैल्यू के एलिमिनेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका जो कोफिशियंट टर्म है उसको इक्वल करना पड़ेगा, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका कोफिशियंट को इसके साथ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का कोफिशियंट सेम हो जाएगा, 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72m प्लस 9 में 20n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 180n इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 9, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 72m, तो यहाँ तो दोनों का कोफिशियंट सेम हो गया, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे प्लस 8 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144, तो 144 लिख देंगे 144n, और 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे कैसे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, जो नीचे वाला साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 180 में से 144 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36n इजिकल टू 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/36, एन का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब एन के वैल्यू को इक्वेशन 5 और 6 किसी में पुट कर देंगे तो एम का वैल्यू मिल जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 5th में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 5th का है 8m प्लस 20n इक्वल टू 1, तो क्या है एन का वैल्यू, तो 8m प्लस 20 × 1/36 इज इक्वल टू 1, तो 8m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इधर है तो माइनस में चल जाएगा 20/36, तो 8m इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 − 20/36, तो 36 में से 20 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 1/36, 8m इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 8m इजकल टू 16/36, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 8 को 16 से तो कितना आ जाएगा 2, तो m इजकल टू क्या आ गया, इसको फिर इससे कैंसिल कर देंगे कितना बार में कटेगा 18 टाइम्स में, तो m का वैल्यू कितना आएगा 1/13, तो हम लोग को क्या मिल गया n का वैल्यू मिल गया 1/36, 36 है ये, और n का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 1/38, तो हम लोग n के वैल्यू और m के वैल्यू को इक्वेशन 3rd और 4th में पुट कर देंगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 3rd क्या है 1/x इजकल टू m, 1/x, और m का वैल्यू कितना हमारा 1/18, अब m ने निकाला है m का वैल्यू 1/18, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x इजकल टू 18, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 18, अब क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, हम लोग n के वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या है 1/y इज इक्वल टू एन, तो क्या हमारा 1/y, और एन का वैल्यू 1/36, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 36, तो हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया कि एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करेगी वुमेन कितने दिनों में, 18 दिनों में, और वही एम्ब्रॉयडरी वर्क को मैन कितने दिनों में फिनिश करेगा 36 डेज में, तो हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग लिख देंगे कि क्या यहाँ से कि वन वुमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन x डेज मीन्स 18 डेज,
हमने यहाँ क्वेश्चन में लिया था क्या लिखें, वन वुमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन कितना डेज, 36 डेज। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए।